दोस्तों साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर कंपनी किया मोटर्स बहुत जल्द भारतीय बाजार में एक वैगन साइज की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है किया रे। जी दोस्तों, यह जो इलेक्ट्रिक कार है दोस्तों कोई नई इलेक्ट्रिक कार नहीं है। इस गाड़ी को 2011 से दुनिया भर के मार्केट में बेचा जा रहा है, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान और इंडोनेशिया और कई यूरोपियन कंट्री में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन भारतीय बाजार के नजरिए से देखा जाए तो किया रे इलेक्ट्रिक कार एक काफी अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकती है उन लोगों के लिए जो लोग काफी कम कीमत में गाड़ी लेना चाहते हैं, पेट्रोल के खर्चों से हो चुके हैं परेशान, तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार के बारे में सारी डिटेल, कब हो रही है लॉन्च, क्या होगी फीचर्स और कितने रुपए में आप इसे बना सकेंगे, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं डिजाइन की बात करूं, डिजाइन वाइज इसे वैगन आर के ही डिजाइन पे रखा गया है, जहां पर इसको मिनी वैन भी कहा जाता है विदेशों में। यहां पर इस गाड़ी की कुल लंबाई है 3600 mm और इसमें 5 लोगों के लिए बैठने की जगह और स्लाइडिंग डोर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें इस गाड़ी की इंजन की, तो यार कंपनी इसमें दो प्रकार के इंजन देती है। पहला है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन जो कि करीबन 76 BHP तक का पावर जनरेट करती है और माइलेज करीबन 20 तक का दे देती है। दूसरा दोस्तों, इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। जो इलेक्ट्रिक इसका वेरिएंट है उसमें आपको 67 BHP का इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलता है। अब इसका जो टॉप रफ्तार है करीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे का है और इसमें इस्तेमाल किया जाता है 16.4 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक जो कि एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 138 किलोमीटर का रेंज देती है। अब ये रेंज सुनकर काफी लोगों को झटका लगेगा, यार इतना कम रेंज में क्या होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे क्या लगता है, भारतीय बाजार में इसके रेंज को थोड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत है। बाकी इस बैटरी को आप चाहेंगे फास्ट और स्लो दोनों तरीके से चार्ज कर सकते हैं। बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में गाड़ी में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल जाता है, 4 स्पीकर, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन और एयर पार्किंग कैमरास भी देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे बड़ा सवाल, क्या हो सकती है कीमत और कब हो रही है भारतीय बाजार में लॉन्च। दोस्तों हम लॉन्चिंग की बात करें तो दोस्तों यह गाड़ी करीबन 2022 में आपको भारतीय बाजार में लॉन्च होती हुई देख सकते हैं आप इसे, और इस गाड़ी की जो शुरुआती कीमत वो 3 लाख रुपए से शुरू होगी। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगा कंपनी इसमें पेट्रोल लाती है या इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अगर आप मार्केट सिचुएशन को देखें तो काफी हद तक संभावनाएं हैं कि कंपनी इसको CNG और इलेक्ट्रिक दो मॉडल्स में ला दे। आपको क्या लगता है, किया रे की अगर ये इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक मॉडल भारत में होती है लॉन्च तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस और इलेक्ट्रिक व्हीकल की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल EV वर्ल्ड को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।